हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट की कमियों का पता किस तरह से लगाते हैं। तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। ऑटोमेटेड ये टूल्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ही हम ये करेंगे। ये जो काम है ये आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपनी वेबसाइट की कमियों का पता लगा सकते हैं और उन्हें सही कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर की कमी, क्योंकि देखिए जो हैकर लोग होते हैं वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। अगर आप पहले ही इस चीज़ को सही कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं, ताकि आपकी वेबसाइट पर किसी भी बुरे इंसान की नज़र जो है वो ना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम चैनल पे एक स्ट्राइक था, तो उसी की वजह से अभी मैं कुछ टाइम रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाया। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, तो हमारी एप्लीकेशन ये है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग के नाम से, आप इसे डाउनलोड कर लें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इवन उसमें एक हमने नया सेक्शन बनाया है, उस सेक्शन में डेली वीडियोस जो हैं, इवन जो यहां से डिलीट भी हो जाते हैं, वो वीडियोस भी आपको वहां पे कंटिन्यूअस मिल जाएंगे। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं, उस वेबसाइट का नाम आप यहां पे देखेंगे इम्यूनी वेब है। यहाँ पे देखिए कई चीजें इसकी फीचर्स के बारे में भी बता रखा है। करंट आप देख सकते हैं 16 टेस्ट आर रनिंग, और लगभग लगभग 24 घंटे में इसमें 1 लाख से ज्यादा टेस्ट जो है वो हो चुके हैं। तो फिलहाल हम इसे एक हमने अपनी ही वेबसाइट यहाँ पे डाली, हम उसे चेक करके देखते हैं कि कहीं इस वेबसाइट में कोई कमी तो नहीं है। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी एनालाइजिंग कर ही रहा है। तो तब तक हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट की तरफ, एंड देयर इज अ सेकंड ग्रेट वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम आप यहां पे देखेंगे HX टेक्नोलॉजीज की ये वेबसाइट है। यहां पे आपको वेबसाइट का URL देना है, नाम आप अपना दे सकते हैं जो भी है, और ईमेल आईडी, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो इसी ईमेल आईडी पर ये सेंड करेगा। तो फिलहाल हम इस वेबसाइट के अंदर देखते हैं दोबारा से एक दूसरी वेबसाइट के जरिए कि यहां पे ये हमें क्या दिखाता है। और दूसरा क्या है कि ये फ्री है, आप यहां पे देख सकते हैं क्विक स्कैन हुआ, नॉर्मल स्कैन हुआ, ये फ्री है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जो काम आप टूल्स की मदद से करते या किसी पेनिट्रेशन टेस्टर की मदद से करवा पाते, वो काम बड़ी आसानी से ये आपको करके देगा। चलिए गाइस अब चलते हैं एक और बेहतरीन वेबसाइट पे, जिसका नाम है वी स्कैनर। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इसका, इस पे जो वर्क करना है वो बिल्कुल आसान है। इवन आपको आईडी तो बनानी पड़ेगी ही लगभग। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए वल्नरेबिलिटी स्कैन जो है, यानी वल्नरेबिलिटीज की जो टेस्टिंग है वो इसने हमने स्टार्ट कर दी है। या लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। अगेन कई बार ना नाम लिखने के ऊपर भी कुछ जो चीजें हैं अंतर होते हैं। दोबारा से हम इसे कर लेते हैं एक बार। एग्जिस्ट, ओके मे नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक और दूसरी वेबसाइट जो है वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग वेबसाइट डाल के देखता हूँ, vulnerableweb.testphp.com। या एक और वेबसाइट है demo.testfire.net। ओके, ये टेस्टिंग के लिए बनाई गई है वेबसाइट, उसमें देखेंगे नाम में कोई कमी है तो। ओके गाइज लेट मी रिफ्रेश इट, जब तक ये चलता है कोई नहीं। फिलहाल हम चलते हैं एक और वेबसाइट पे, इसका नाम है साइबर चेफ, और साइबर चीफ के नाम से इस वेबसाइट पे हम देखेंगे। अच्छा, ये AI की वेबसाइट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको पता ही, आज की डेट में इसने बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी है। तो AI की मदद से ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, और उसके अंदर की अगर कोई भी कमी होगी तो ये आपको बताएगा। तो चलिए गाइज लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट, और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। एंड ओके हेयर इज द रॉ डेटा, हमारी वेबसाइट का जो रॉ डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। और एक और बेहतरीन वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं मल केयर के नाम से। यानी कि अच्छा, इसमें मुझे जो अच्छी बात लगी इस वेबसाइट के अंदर वो ये थी कि इस वेबसाइट के अंदर आप देखिए साइट का URL वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, प्लगइन को कर सकते हैं, थीम्स को कर सकते हैं, यूजर को कर सकते हैं, और प्लगइन की स्टेट्स वगैरह देकर भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये सर्च करके दिखाएगा जो आप कंडीशन डालेंगे उस हिसाब से वेबसाइट्स को, मतलब फिल्टर दिए हुए हैं इसमें। दूसरा, इसका जो है साइट को तो आप स्कैन कर ही सकते हैं, मतलब साइट की जो कमियां हैं उनका तो पता आप लगा ही सकते हैं, वो इजी है इसके अंदर। तो आप यहां पे देखेंगे ये प्लगइन है, प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी तभी ये जो है वो वर्क करेगा। आप इसे मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं रिजल्ट्स की तरफ, हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं। ओके एंड इट्स वर्किंग नाउ, फ्री वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्ट इन प्रोग्रेस। एनालाइजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्टिंग दिखा रहा है, ये GDPR कॉम्प्लियंस दिखा रहा है, मतलब अभी ये यहाँ पे उन्हें चेक कर रहा है वन बाय वन, तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड हेयर यहाँ पे देखो हमें काफ़ी सारी जो जानकारी है वो मिल चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी वेबसाइट है
वेबसाइट के अंदर कोई कमी तो नहीं है, ये तो आपको पता ही चलेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी काम की जो चीजें हैं उन्हें ये हमें बताता है। तो आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर की कमियों का पता लगा सकते हैं और उसे सिक्योर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे काफी अच्छा लगा। तब तक इसके रिजल्ट्स आते हैं इवन ये तो खैर वर्क ही नहीं कर रहा था, बाकी हम देखेंगे कि रीजन्स हैं। नाउ इट्स यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सेकेंड डोमेन्स, हम इस पर पहले एक बार कर चुके हैं इसीलिए ये उसे नहीं कर रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, यानी कि आपने पहले टेस्ट कर लिया है या वेबसाइट की लिमिट्स है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो इस वजह से ये दिखाता है, तो उसकी वजह से शायद रिजल्ट्स हमें हाईलाइट्स नहीं हुए हैं। दूसरा साइबर चीफ के अंदर अगर हम देखें तो देखो ये हमें जो रिजल्ट शो कर रहा है ये करंट रिजल्ट हैं, और इसके अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज थी कि वेबसाइट के अंदर अगर कोई कमी है कैसे सही कर सकते हैं, तो इस तरह की सारी जानकारी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही आप इसमें वेबसाइट का SSL की भी जानकारी जो है वो जान ले सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ताकि आपसे कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।